तो गाइस स्वागत है आपका अपने स्पैच चैनल फिर से एक बार, जिसका नाम वीजो स्टॉक मार्केट हैंड्स। तो गाइस फाइनली आज रक्स पे वीडियो आई है, बाई बैक के रिलेटेड बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पर आई है। एंड एक चीज़ मैं पहले दिखा देता हूँ, ठीक है आपको, खाली आप आर्थ्रेक्स बाई बैक भी सर्च करेंगे तो भाई जो पिछली बार आर्थ्रेक्स का बाई बैक हुआ था वो भी मार्च हमारा जो है 2019 में हुआ था। आर्थ्रेक्स का बाई बैक मार्च 2019, एंड आज भी जो है भाई मार्च आ चुके हैं एंड दोबारा मार्च में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या करना चाहिए आपको, बाई बैक में देने चाहिए अपने शेयर, नहीं देने चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ, एंड कब है बाई बैक, क्या इसकी डेट्स वगैरह हैं, सब कुछ सब डिटेल में बात करेंगे। एंड साथ साथ भाई चार्ट पे आपको टेक्निकल एनालिसिस भी दिखा दूंगा, भाई इस समय क्या सिचुएशन बैठी है, क्या आने वाले आप टारगेट हो सकते हैं, कहाँ के लिए आपको खेलना चाहिए, वेट करना चाहिए, आप फंस रखे हैं तो क्या करना है, सारा ए टू जेड डाउट क्लियर होगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, मैं अपना मुँह से बोल रहा हूँ भाई, तो बोर भी हो सकते हो, ये भी भाई मुँह से बोलता हूँ भाई, बोर भी हो सकते हो वीडियो, बट इतना है कि भाई एक एक चीज़ अगर सुनोगे तो भाई दिमाग खोल के सुनना भाई प्लीज़। तो फिलहाल तो देखो इसको देखने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं करंट मार्केट आज में ही वीडियो बना रहा हूँ, अभी 12:20 बजे हैं एंड वीडियो यहाँ पे शूट हो रही है, ठीक है। तो भाई मार्केट के बीच में तो ये सब देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर भी सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी आप देखना चाहते हैं शाम को देख लेंगे, ठीक है, इसको शाम को देखना है एक बार। अभी कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, मेन बात ये देखो पर्पज बाई बैक 19 मार्च, ठीक है, तो डेट आ चुकी है, अभी डेट आई है, ठीक है, 19 मार्च जो अभी लोग हवा बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई ना कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी इसके रिलेटेड, मैं ऑब्वियसली गाइस वीडियो बनाऊंगा, फॉर श्योर वीडियो बनाऊंगा, एंड तुरंत सबसे पहले भाई मैं ही होऊंगा आर्थ्रेक्स पे अपडेट करने वाला आपको, ये 100% श्योर भाई लिख के दे सकता हूँ आपको, लिख के प्रॉमिस करता हूँ भाई, जो भी पहले न्यूज़ आर्थ्रेक्स की आएगी मैं ही वीडियो बनाने वाला हूँ सबसे पहले, विश्वास नहीं भाई देख लेना ट्राई मार के, ठीक है। तो देखो बाई बैक का यहाँ पे आया, अभी सिर्फ कंसिडर करने के लिए आया है, ठीक है। तो अभी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग में भाई जो है ये लोग सोचेंगे कि 19 मार्च को ये लोग सोचेंगे कि करना है नहीं करना है, उसके बाद कोई न्यूज़ आएगी गाइस, ठीक है, ये ध्यान रखो। बट 19 तक इसके चलते काफ़ी पॉजिटिविटी बनी है एंड आर्थ्रेक्स उछलने के मूड में है यहाँ से, ठीक है। तो आपके लिए क्या टारगेट हो सकते हैं, तो गाइस इससे पहले कि आगे बढ़े गाइस, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, फ्री टेलीग्राम चैनल, ठीक है, एंड बहुत अच्छा है यहाँ पे आपके लिए चैनल है गाइस। यहाँ पे देखो भाई 10.6% मतलब कि 10% रिटर्न अराउंड 4 दिन के आसपास आए हैं भाई आपके, ठीक है। जिन्होंने भी खरीदा भाई कॉन्ग्रेट्स, प्रकाश इंडस्ट्री मैंने दिलवाया था आपको 67 के अराउंड, एंड मैंने खुद भी लिया था, देखो शो भी हुआ 67 पे लिया था एंड 10% के मेरे को रिटर्न मिल रहा है भाई, सब कुछ तुम्हारा भाई शो करता है एंड ऐसे बहुत सारे जो है तुम्हारा भाई देता है टारगेट्स, ठीक है। एंड आज ही दिया था मैंने यहाँ पे, ये वाला दिया था जिसने यहाँ पे स्विंग कॉल दी थी मैंने, आज ही दिया, देखो मार्च 16 को ये वीडियो अपलोड हो रही है, मार्च 16 को भाई सुबह सुबह दी थी मैंने माइंडट्री की कॉल एंड भाई दिया था 1982 का लास्ट टारगेट, जो कि मैंने बोलता कुछ हफ्ते में आ सकता है, बट भाई आप बिलीव नहीं करोगे आज ही आ गया वो, ठीक है। एक ही दिन में आपको सारे टारगेट मिल गए, तो अराउंड 50 पॉइंट्स का जंप यहाँ से हुआ है एंड जिनको भी ये मौका मिला भाई माइंडट्री में कमाने का भाई उनको भी कांग्रेट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तुम्हारा भाई देखो वेदल की दी थी, फिर ऐसे मतलब कि सारी स्विंग कॉल्स देता हूँ, कोई भी इंटरडे कॉल नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। इंटरडे में मेरे को नहीं पता आप लॉस और जो भी करते होंगे, बट महीने के एंड में जो भी कमाएंगे ना आप इंटरडे से, उससे दुगना भाई मेरी स्विंग कॉल्स में काट लेंगे, ठीक है। एक बार इंटरडे को साइड करके मेरी स्विंग कॉल्स में आके देखो भाई, इसमें पता फायदा क्या है, रिस्क नहीं है, ठीक है, कोई डर नहीं है और भाई आराम से बिना टेंशन हुए भाई अपना कमाओ धमाओ अपना कुछ काम करो, इंटरनेट में भाई बैठे रहो स्क्रीन के सामने पागल हो जाओ भाई। तो सच है भाई स्विंग कॉल्स में कहो देखो भाई 4 दिन में 10% रिटर्न मिल रहे हैं और 2 महीनों में 80% मैंने दीपक नाइटेड में भी दिलवा दिए लोग को, तो भाई और क्या चाहिए आपको बताओ मेरे को, है ना। तो आओ भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से ज्वाइन करो, अभी तो खैर फ्री चैनल है, ठीक है, आने वाले टाइम में मैं इसको पेड कर दूंगा, तो उससे पहले पहले अगर आप ज्वाइन कर पाओगे तो भाई अच्छी बात है, वरना बाद में पेड हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो चलो फटाफट से ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर फाइनली मैं आपको चार्ट पे लिख रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत कुछ समझाना है एंड जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ भाई टेक्निकल्स ने इंडिकेटर यहीं पे करते थे कि भाई हाँ भाई यहाँ से जो है बढ़ेगा आर्थ्रेक्स, बट फिलहाल जो कोई भी ऐसी बहुत ही शॉर्ट टर्म में देखो तो यहाँ पे एज सच कोई था नहीं मूव, बट अभी फाइनली देखो तो यहाँ से हाँ थोड़ा तो यहाँ से तो बढ़ा है, देखो थोड़ा तो यहाँ से ऊपर को गई हैं चीज़ें, तो जिसने इसके बीच में प्रॉफिट बुक किया बहुत अच्छी बात है एंड भाई यहाँ पे मौका आया आपके पास दोबारा, ठीक है, जब तक ये बाई बैक का न्यूज़ चल रहा है हो सकता है थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी आए, तो उस पॉसिबिलिटी में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए जिनका पैसा फंस रखा है बहुत टाइम से एंड लॉस में तो नहीं निकलना चाहिए, बट प्रॉफिट हो रहा हो तो आप एग्जिट मार सकते हैं, 5-10% का प्रॉफिट लेके आप निकल सकते हैं, बट अगर लॉस में हो तो लॉस में आपको होल्ड करना चाहिए, ठीक है, एंड कितना होल्ड करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैकडी ने ऑलरेडी क्रॉसओवर देते ऊपर जा रहा है अभी, ठीक है, एंड यहाँ से अब जब ये ऐसे ऊपर आएगा, ठीक है, तब यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, बट इतना टाइम है जितना आर्थ्रेक्स उछल सकता है, ठीक है, तो इतने टाइम तक हम होल्ड करेंगे, उसके बाद हम लोग भी सेल आउट करके निकल जाएंगे, फिर चाहे कोई भी लेवल आए, ठीक है।
पर्सनली मैं किस लेवल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, मैं तो लंबे समय के लिए होल्ड कर रहा हूँ, 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। अब आप लोग देख लो भाई, आप लोग कितने टाइम तक होल्ड कर सकते हो चीज़ों को, तो मैं बताऊँगा कितने टाइम तक आपको क्या बैठना है। अभी फिलहाल बात करें तो भाई आज इसने अच्छी ऊपर की तरफ दिया था, एंड देखा जाए तो 709 तक गया था, ठीक है, यहाँ पर 708 दिख रहा है, बट 709 तक गया था ये। एंड अभी बात करें तो भाई लोएस्ट इसका 685 लगाया इसने, एंड अभी करंट मार्केट प्राइस इसका 688 के आसपास चल रहा है, तो ठीक है जब तक इसके ऊपर है, ये देखो 50 EMA ये वाला ना, जब तक इसके ऊपर है 681 के, तब तक ठीक है सब कुछ, तो थोड़ा नॉर्मल आप मान सकते हैं। तो सबसे पहला जो है इसको अप सर्कट में उठाना है वो रहेगा 694 का लेवल, ठीक है, जिस दिन 695, ठीक है, मैंने पहले भी बताया है लेवल आपको 695 का, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो जिस दिन 695 के ऊपर सस्टेन करने लग गया उस दिन समझो भाई 695 से अब अच्छी खासी पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि ये है हमारा येलो लाइन, आपको दिख रही है ना वो येलो लाइन, ये एक्चुअली है 100 EMA, ठीक है। तो 100 EMA के नीचे जनरली बुलिश बेरिश होता है, एंड 100 EMA के ऊपर जनरली बुलिश होती है चीज़ें, ठीक है। तो जिस दिन से 100 EMA को क्रॉस करके अच्छा वॉल्यूम के साथ ऊपर सस्टेन किया उस दिन भाई ये बुलिश हो जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। एंड फिलहाल मार्केट में सेंटिमेंट भी ऐसे है आर्थिक्स के भाई बुलिश हो रहा तय सा लग रहा है, ठीक है। तो जो पहला टारगेट आप लोग के लिए रहेगा जहाँ पे आप एग्जिट कर सकते गाइस वो रहेगा आपके लिए 705 का, ठीक है, 705 के लेवल नोट करके चल लो, 705 पे आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है, जैसा आपका प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अगर आपने ऊपर की बाइंग की हुई है तब तो मैं नहीं बोलूंगा भाई कि 705 पे एग्जिट कर लो, बट शॉर्ट टर्म में जो टारगेट आएंगे भाई वो 705 के रहने वाले हैं, ठीक है। अभी उसके ऊपर की बात करें तो जो जनरली 3-5 महीने के लिए खेलना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये वाला टारगेट रह सकता है आपके, मैं बता देता हूँ ये वाला रह सकता है आपके लिए 750 का, ठीक है, ये 745 मान के चल लो, चलो 750 ले लिया, 745 ले लो, बट 745 के आसपास आता है जैसे ही तो आपको जो है बेच के निकल जाना है, ठीक है। अब आपकी इसके आसपास की बाइक है तो आप इसके आसपास एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई देखो फिर बहुत लंबा खेलना पड़ेगा और अगले 1-1.5 साल के लिए खेलना है तो भाई आपको आराम से भाई 800-850 के लेवल मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, बट वो आपको खेलना पड़ेगा भाई 1-1.5 साल के लिए, ठीक है। ये मैं पहले आपको सब कुछ क्लियर कर दिया गाइस, ठीक है। तो ये हैं छोटी छोटी मेरी बातें, अभी भाई बात करते हैं यहाँ पे लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट बायबैक के रिलेटेड, ठीक है। बायबैक की न्यूज़ आएगी 19 मार्च को, तो 19 मार्च को तय हो जाएगा कि भाई होना क्या है, 19 मार्च को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब जो है होना क्या है। अगर 19 मार्च को डिक्लेयर हो गया तो भाई और पॉसिबिलिटी आएगी, तो और मजे आ जाएंगे, बट इन केस अगर 19 मार्च को न्यूज़ नेगेटिव आ गई तो फिर आर्थिक्स बहुत बुरा गिरेगा, ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, ठीक है। तो 19 मार्च बहुत ही क्रूशियल डे है, बट 19 मार्च से पहले अगर आपको मौका मिल जाता है ना निकलने का आर्थिक्स से तो भाई निकल जाना, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये रहेगी गाइस, ठीक है। तो मैंने अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी दे दी, अपना सब कुछ बता दिया भाई, ठीक है। मैंने देखी है जनरली चीज़ें देखी, TCS का देखा था भाई मैंने, TCS पता है जैसे ये थे ना, ये वाली डेट अभी हुआ था ना 2-3 महीने पहले, शायद 1 महीने पहले TCS का बायबैक आया था, तो बढ़िया भाई ऐसे ऐसे झूम 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 जा रहा था, और जिस दिन बाईबैक का आया कि हाँ भाई हो रहा है और बाईबैक की न्यूज़ आ गई, बाईबैक डिक्लेयर भी हो गया, बाईबैक हो भी गया, उसके बाद फिर TCS हल्का गिर गया या फ्लैट हो गया था। तो आज तक जैसे शेयर में आपको बाईबैक के लिए जो देख लो, अगर अप्लाई करने का मन है आपको बाईबैक में तो आपको जोर करना चाहिए, जो लोग फंस रखे हैं एंड जिनको चाहते हैं कि हाँ भाई चलो 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 निकलना है मेरे को अतिरिक्त से, तो वो बाईबैक में ज़रूर अप्लाई करना, ठीक है। एंड अगर बाईबैक में भी अप्लाई नहीं करते तो भी फायदा होगा। अब बायबैक होता क्यों है, इसका सिंपल सा रीज़न है भाई, क्योंकि अंडर वैल्यू होता है जब स्टॉक, ऑब्वियसली भाई इतना ऊपर से गिर के इतना नीचे नीचे आ गया तो कंपनी ने सोचा यार बहुत ही अंडर वैल्यू हो गया, तो इसलिए उनका बायबैक निकालना चाहे ताकि उनकी वैल्यू बढ़ जाए। और यहाँ से होगा क्या भाई, EPS बढ़ जाएगा, ठीक है, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगा, बट यहाँ से PE डाउन हो जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। PE डाउन हो गया तो भाई सस्ता मिलेगा स्टॉक एंड सबको लगेगा, एंड सब लोग आएंगे फिर, एंड जब सब आएंगे तो भाई ऑटोमेटिकली प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आगे कहीं को डिविडेंड डिक्लेयर होता है या फिर जो है वैल्यू बढ़ती है तो कहीं ना कहीं भाई शेयर होल्डर को बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो मैं पर्सनली बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ, ये कंफर्म है, एंड मैं होल्ड कर रहा हूँ भाई अगले 1-1.5 साल के लिए, एंड मैं काफ़ी अच्छे रिटर्न सोच रहा हूँ, ठीक है। बोलने को तो मैंने 850 बोल रखा है, पर मैं सोच 1000 तक कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बता दिया है, बट आप लोग मत वेट करना, मैं बहुत ही रिस्की प्लेयर हूँ भाई इन मामलों में, ठीक है। एंड मैंने अपना सारा पैसा नहीं बसाया है, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 7-10% लगाया मैंने बस, ठीक है, 70,000 मेरे पे रुपए थे उसमें से बस मैंने 7,000 रुपए लगाए हैं इसमें, तो आप समझ सकते हैं मेरा कितना स्मॉल रिस्क के साथ मैं आर्थिक्स में प्ले कर रहा हूँ, इसलिए भाई मैं 1-1.5 साल के लिए होल्ड करने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। तो ये है मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन, अब आपको जैसे पसंद आए आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल रुकते हैं, तब तक ले बबाई हो सर दोस्तों, विशाल सुशील।